बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं देख रहे? शिवानी कुमारी है वहां पर। अभी बिग बॉस में जो है 6 लोग नॉमिनेट हुए थे। पौलोमी थी, एक वेज बड़ा पाव वाली थी, एक मोनिशा थी, एक विशाल पांडे था, एक नेजी था। तो उसमें है ना, इन 6 में से आप लोगों ने शिवानी के लिए वोट किया। और आपको एक खुशखबरी देने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ कि शिवानी जो है आज रात को 9 बजे घर से बाहर नहीं जा रही हैं और उसकी जगह जाएंगी पौलोमी। हाँ, पौलोमी वही हैं जो लगातार शिवानी कुमारी से लड़ती रहती हैं। लेकिन पता है, इसको ऐसा एंटरटेनमेंट लिया करो, इसको कोई हेट नहीं फैलाओ। पौलोमी भी अच्छी है, शिवानी कुमारी भी अच्छी है, वो वहाँ यही करने गए हैं, एंटरटेनमेंट करने गए हैं। लेकिन आप लोग शिवानी कुमारी से प्यार करते हैं तो उनको वोट करते रहिए, बाकी सबको भी प्यार दीजिए। अच्छा खेल रहे हैं, वेज पड़ाव पाव वाली भी अच्छी है। ये जो है ना मेरी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के दूसरे साइड ही मेरा ऑफिस है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं सड़क पे गाड़ी नहीं चला रहा हूँ इस वक्त। बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी भी कुछ खास खबरें हैं जो उनके इलाके की हैं, जो मैं अपने ब्लॉग में बताऊं। तो ये करना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हो, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए जो कि है अंजुल बमरोलिया, जो भी यहाँ लिखा आ रहा है इस पर जाकर है ना, वो मुझे खबरें मुझे टैग कर दीजिए, मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। वहाँ बहुत इजी होता है किसी भी चीज़ को पढ़ना, तो आप वहाँ जाकर मुझे बताइए। अल्ट न्यूज़ वाले छुपेर ने जो है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ ट्वीट किया है। आ गए, ये क्या कर रखा है, आज नहीं गाया हुआ है। वेर अपने ट्विटर अकाउंट से लिखते हैं कि जो स्पीच आपने चंद्रशेखर आजाद का सुना कल संसद के अंदर, जिस तरह जिस लहजे से वो बोल रहे थे, और यही एक असली कारण है जो कुछ राइट विंगर्स जिनका नाम लिखा है साई दीपक, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी और क्या बजा सर, 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे सर। वो लोग को जो है ये व्यक्ति थ्रेट लगता है। साईं दीपक ने अपने एक वीडियो में बोला था कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा खतरा अगर हमको है किसी से तो वो चंद्रशेखर आजाद है, अंग्रेजी में था वो। द बिगेस्ट थ्रेट टू हिंदुइज्म स्पेशली इन उत्तर प्रदेश इज गोना कम फ्रॉम चंद्रशेखर आजाद। यू टेक इट फ्रॉम मी, यू टेक इट फ्रॉम मी, इज गोना कम फ्रॉम दैट जेंटलमैन। मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कुछ घटनाओं के बारे में बताया। एक हाथरस में एक सत्संग चल रहा था और वहां पर पंडाल में जो बाबा सत्संग दे रहा था उनके पास पहुंचने के लिए कुछ लोगों ने भगदड़ मचा दी और 100 से भी ज्यादा लोग मर गए उसमें। बताइए, ऐसा भी हो सकता है क्यों युल भाई, ऐसा भी होता है क्या? मतलब लोग बैठे हुए थे, मैंने बहुत सी रैलियां देखी है चंद्रशेखर आजाद की, बहन जी की भी देखी है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन ऐसी भगदड़ कैसे मच गई कि लोग मर गए? घटना में है ना, अपने भीमनगर जो है उसमें भी एक दो लोग महिला है जो शायद नहीं रही, ऐसा अच्छा। पता पड़ा है जी। अपने यहाँ बहुत चलता है ना, क्या बाबा का नाम क्या है, इनको भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं, विश्वहरी कुछ विश्वहरी करके भी है इनका, साकार विश्वहरी, साकारी विश्वहरी के नाम से है और भोले बाबा भी बोलते हैं। इतनी भीड़ होती है वहाँ? हाँ, 1 लाख से ज्यादा लोग थे वहाँ पे। 1 लाख? हाँ, ऐसा क्या देख रहे थे, क्या बांट रहे थे, प्रिय कुछ बांट रहे थे? पता नहीं क्या थे, जो उनको देख लेता है, दर्शन कर लेता है, उनकी चरण पाद का भी दर्शन कर लेता है तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। इस घटना से मुझे एक ही बात समझ आई कि भारत में ना लोगों के पास परेशानियां बहुत हैं और इस परेशानी से निजात पाने के लिए वो ऐसे बाबाओं के पास चले जाते हैं। पता नहीं क्या मिलता है इनको, अब जो लोग नहीं रहे उनके परिवार वालों को कौन देखेगा। अगली खबर दीक्षा भूमि से आ रही है और वहाँ कुछ अनोखा हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। दीक्षा भूमि वही जगह है नागपुर की जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी, जब वो पहली बार हिंदू से बुद्ध बन गए थे और उनके साथ कई लाखों लोगों ने दीक्षा ली थी। लेकिन अभी जो संगठन संस्था जो है दीक्षा भूमि की देखभाल कर रहा है वो ये चाहता है कि उस ग्राउंड को गड्ढा खोदकर एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनवा ली जाए, लेकिन वहाँ के लोग इस चीज से विरोध में आ गए। आप वीडियो देखिए। आज दीक्षा भूमि स्मारक समिति च्या वतीने दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने चर्च और वो चाहते हैं कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग की जरूरत क्या है, क्योंकि जब दीक्षा भूमि 14 अक्टूबर को जब वहाँ प्रोग्राम होता है तो पुलिस वाले कई किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों को रोक देते हैं, वहाँ तक गाड़ियाँ आती नहीं है, आम दिनों में इतनी गाड़ियाँ होती ही नहीं है जो वहाँ पे जरूरत है। दीक्षा भूमि वर्ती पार्किंग ज्यावेस अम्बेडकर जी ये बोल रहे हैं जब पार्किंग की जरूरत ही नहीं है तो वहाँ के ट्रस्टी उसको क्यों बना रहे हैं, और यही कारण है वहाँ के लोग बहुत नाराज हैं इस बात को लेकर। और हम वंचित बहुजन अघाड़ी जो है इसके साथ है, लोगों के इमोशंस के साथ है। ये देखो मैंने भी चालू कर लिया, देखो 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 यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, देखो और कोई काम ही नहीं है सौरभ के पास। यहाँ भी है ना शिवानी की फोटो लगा रखी है, शिवानी के नाम पे चल रहा है बिग बॉस, बताओ यही असली खिलाड़ी है मोदी
या राहुल, कौन हो सकता है? आज तो यही दो नाम है। आप फिर मेरी बात को अंडरएस्टिमेट कर रही हैं। मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा। ANI का एक पॉपुलर पॉडकास्ट है जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद को बुलाया, वहां पे उनसे पूछा गया कि बहुजनों के लिए कौन बेहतर है, और ऑप्शन में सिर्फ दो लोग थे, पहला मोदी जी और राहुल गांधी जी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम लिया। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है, क्योंकि एक साइड राहुल गांधी हैं जिनके पास पूरा एक विरासत है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं, इस बार बस सोनिया गांधी नहीं बन पाई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाएं। दूसरी तरफ जो है वो मोदी जी हैं, पिछले तीन बार से वो प्रधानमंत्री बनते हुए आ रहे हैं। दोनों लोग जो है ना वो संसाधनों से लैस हैं। वहीं तीसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, अभी 11 साल हुए हैं, अभी सांसद बने हैं पहली बार, और इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? लेकिन एक खास बात हुई, आपको पता है अभी कुछ ही टाइम पहले सांसदों की शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद उनका भाषण हुए संसद के अंदर, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता जिसका भाषण सुना गया, जिसको पसंद किया गया है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा चंद्रशेखर आज़ाद। दूसरे नंबर पे कौन है, गैस करिए, दूसरे नंबर पे है राहुल गांधी, 6,63,000 के आसपास देखा गया है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को 7,93,000 बार देखा गया है। तीसरे नंबर पे अखिलेश यादव, जिनको लगभग 3,00,000 के आसपास देखा गया, आधा। और सबसे आखिरी में प्रधानमंत्री जी, जिनकी दो भाषण YouTube पर डली हुई हैं, एक को 30,000 बार देखा गया है, दूसरे को शायद 60,000 बार देखा गया है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि ये तो जो है बॉट लगाकर YouTube व्यूज बढ़ाए जा सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने क्यों नहीं बढ़ा लिए? भाई देश के ना बड़े बड़े यूट्यूबर बहुत डायलॉगबाजी कर रहे हैं शिवानी कुमारी के ऊपर, बोलते हैं कि हम भी तो गांव से हैं, हम भी हर हफ्ते गांव जाते हैं। मैक्सटन हो गया, एलविश यादव हो गया, एक कोई रचित्व है, कोई है वो कबड्डी का मैच करवाता है देसी बनने के लिए। लेकिन यार एक बात ध्यान से सुनो, भारत में एक महिला की जो हैसियत है ना वो बहुत ख़राब है, इसी वजह से हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस कर गया था। शिवानी कुमारी का एक वीडियो मिला जब उसने पहली बार अपने यूट्यूब मनी से अपने घर को बनवा रही थी। एक छप्पर था, उस छप्पर को है ना वो तोड़ती है और बोलती है कि अपने पैसों से है ना घर बनवाने में एक अलग ही फीलिंग आती है, और वो भी तब जब एक लड़की अपना घर बनवा रही हो। एक घर बनवावे की अलग ही फीलिंग आ, तो जब खुद के रुपये से एक लड़की घर बनवाए, हमें आप लोगों ने बोला बनाओ कि आज हम अपनों खुद घर बनवा रहे। जिंदाबाद मेरी लड़की। उस इमोशंस को है ना आप नकार नहीं सकते। आप लोगों ने गांव का घर देखा होगा, आप लोग अपने गांव जाते होगे, वहां रहते भी होगे और वापस आ जाते होगे। छप्परों में रहती थी, YouTube के पैसों से वो अपना घर बनवा लेती है, वो फीलिंग आप समझ ही नहीं सकते। आप जाके देखोगे शिवानी कुमारी का ब्लॉग तो वहां पे एक लड़की दिख रही है आपको, ईशा कुमारी, उसका भी चैनल है। सही बता रही, सही बता रही। क्या काम ने सिखा बताओ? मठा के आलू और आलू सब्जी और खाना बना को जाके हमारे सिखा दो कि ये चार बहने हैं, सबसे बड़ी ईसा है और इनसे बड़ा एक भैया है, इनकी मम्मी थोड़ी तबीयत खराब हो जाता है तो बीमारी अधीमा ईसा काम कर सके, या के मारे तो छोटे पे हमने सब काम करे, सब काम, खेतन को काम करो, घर को काम करो, गोरु घर आते भैंसियाँ ऐसी उनको काम करो, आटा साटा चक्की पर डाले आते उठा ले आते, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं, वैभव है वैभव उठा ले आता है। वो इतनी छोटी थी उस समय जब शिवानी कुमारी ने शुरुआत की थी, उसको दिखा भी रही है ब्लॉग में, आज वो लड़की भी जो है कितना अच्छा बोलती है यार, वो भी तरक्की कर रही है, वो भी आगे बढ़ रही है, बड़ा दिल को छूता है ये सब चीज़ें। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये बोलते हैं हम भी तो जाते हैं गाँव, अरे तुम जाते हो, वो गाँव से उठ कर आई है, अंतर होता है भाई। मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।